हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उस डिपार्टमेंट का नाम है क्वालिटी कंट्रोल या चेकर। जी हाँ, हर कंपनी में आपको मालूम है क्वालिटी कंट्रोल या चेकर उस कंपनी में रहते हैं जो कंपनी के लिए गुड प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर तक पहुँचे उसके लिए डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट में जो मुख्यतः मुख्य रोल है वह रोल आप लोगों तक लेकर के आया हूँ। चलिए एक एक इम्पॉर्टेंट रोल को देखते हैं। पहला है टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस टू द कस्टमर। जी हाँ, आप किसी भी कंपनी में अगर कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, या वो फार्मा का हो या इंजीनियरिंग हो या फिर किसी भी कंपनी में, तो ये चीज़ आपको कस्टमर के लिए आपका प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ेगा अपने यहाँ और उसका परफॉर्मेंस देखना होगा। तो ये सारा काम एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। दूसरा है कोरेक्टिव यानी सुधारना। जी सर, अगर आप टेस्टिंग और परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें अलग अलग आपको अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस देखना होगा कि अगर जैसा फार्मा में काम कर रहे हैं तो जो उसमें MOC लगता है, जो आपको कंपोनेंट लगता है, तो उसमें क्या होता है। अगर आप इंजीनियरिंग में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए पंप की कंपनी में काम करते हैं, तो उसका फॉलो कहाँ तक जाता है। अगर आप जो इंपेलर है उसके जो टेस्टिंग होता है तो उसका फॉलो इंपेलर कितना ट्रेनिंग पे कितना मतलब परफॉर्मेंस देता है। तो इस तरह से हर कंपनी में कुछ ना कुछ टेस्टिंग होता है, उसके बाद उसमें क्या सुधारना है, ये एकदम मुख्य इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा जो है करेक्टिव। तीसरा होता है मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग टू द प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, आपका निगरानी होना चाहिए प्रोडक्शन के काम पे कि जो भी प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग बन रही है आपके यहाँ, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपका निगरानी होना चाहिए और पूरे कंट्रोल के साथ आपका रिजेक्शन न हो मटेरियल, आपका प्रोडक्शन में कंपनी का लॉस न हो, वह देखते हुए सारा काम आपको एक कंट्रोल करके रखना पड़ेगा वहाँ। चौथा है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इशू। जी हाँ, सारा चीज़ का आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और अपने कस्टमर को रिपोर्ट देना होगा। पंचवा है चेकिंग इनकमिंग मटेरियल फॉर द गुड क्वालिटी। जी हाँ, कहीं आपने देखा होगा कि इनकमिंग होता है जहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कोई ख़राब माल, कोई रिजेक्शन मटेरियल तो ना आ गया जो कंपनी का लॉस हो जाए और कस्टमर तक वही मटेरियल पहुंच जाए और हमारी कंपनी का नाम बदनाम हो। इसके लिए आपको वहाँ पे जो इनकमिंग मटेरियल होता है तो उसको अच्छे से निगरानी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ जो जो भी आपका फंक्शन आता है कि MOC के वही MOC आया है कि नहीं आया है, वही डाया आया है कि नहीं आया है, वही जो मंगाया गया है परचेस वाले ने वही चीज़ आया है कि नहीं आया है, ये सब चीज़ आपको एकदम ध्यान से निगरानी करके आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि कंपनी को कहीं लॉस ना हो जाए, अगर वो रिजेक्ट मटेरियल है तो एक आपको रिजेक्शन नोट बनाना पड़ेगा और मटेरियल को आपको लौटाना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप पे। अगर आपको कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एक रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा बना के रखना पड़ेगा, जो कि पहला आता है प्रोडक्शन के साथ आपको बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। दूसरा हो गया स्टोर और परचेस, और तीसरा हो गया जो सबसे मुख्य आपको जहाँ से अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, जो हो गया डिजाइन हो गया या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। इससे आपको एक अच्छा कोऑर्डिनेट और एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। अगर इतना काम आप 5 काम कंपनी में काम करते हैं मुख्यतः और इसमें आप माहिर हैं तो आप अपने कंपनी में टॉप लेवल का एक एम्प्लॉय माना जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक नमस्कार।